अब आ जाते हैं हम ड्रग टेस्टिंग पर, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं दिया तो इस शो को मसल मेनिया बनने में देर नहीं लगेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो बॉलीवुड की पिक्चरों में आपने देखा होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, झूठ सच पकड़ने वाला, तो उसी तरह का सिस्टम होता है पॉलीग्राफ टेस्ट भी। बीवी के अलावा कितनी औरतों के साथ चक्कर है? बीवी के अलावा, बीवी के अलावा सभी औरतों के साथ चक्कर है। नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, कौन जानता है इनको? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, अरे सीरियस? अरे भाई, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कुछ नहीं रखा है। अब भाई कंपटीशन में सामान चले, बिना सामान चलाए कंपटीशन ना खेल पाएगा तू। नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, कोई पहचान है इनकी? पर नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को देखने आएगा कौन? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन? ओह कम ऑन, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, टेस्टिंग इज अ जोक। यू हैव नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नोबडी नोज हु दे आर। कौन कहता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कोई फ्यूचर नहीं है? कौन कहता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को फेम नहीं मिलता? और कौन कहता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को स्टेज नहीं मिलता? अब मिलेगा, और बहुत बड़ा मिलेगा। क्या कमाल का इंट्रो था और क्या कमाल की एंट्री थी। ये कुछ ऐसा है जो कि जॉ ड्रॉपिंग सी वाइब दे रहा है। सो गाइज, हियर आई प्रेजेंट द हिमालयन स्टैलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रेजेंटेड बाय डिवाइन न्यूट्रिशन एंड पावर्ड बाय मसल मॉन्क। दोस्तों, इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इस दुनिया के सारे ड्रग फ्री और नेचुरल एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाएंगे ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। वाकई में लग रहा है कि बहुत बड़ा स्टेज मिलेगा। अगर आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हो, एक पावर लिफ्टर हो या फिर एक आम रेसलर हो जो लाइफ टाइम ड्रग फ्री अपने आप की लिमिट्स को पुश कर रहा है और उसको फेम नहीं मिला, करियर नहीं मिला, स्टेज नहीं मिला, तो दिस इज फॉर यू। मैंने हमेशा ड्रग्स के, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में खुल के बोला है, नो डाउट। लेकिन फिर भी आज का यूथ कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी, अच्छी फिजिक और फेम के लिए, करियर के लिए इस रास्ते में चल पड़ता है। मुझे हमेशा से लगता था कि सिर्फ बातें करने से परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन करने के लिए करना पड़ता है संघर्ष, और ये संघर्ष पिछले 5 सालों से मेरे जीवन में चल रहा है। और इस संघर्ष के चलते मुझे ये लगता है कि मैं उन एथलीट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करूं जहां पे उन्हें वो सब मिले जिसके लिए वो मजबूरन स्टेरॉइड्स के रास्ते पे चलते हैं, चाहे वो फेम हो, करियर हो या फिर पॉपुलैरिटी। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करने जा रहा हूं जहां पे नेचुरल टैलेंट की धूप इतनी तेज होगी कि फिर कभी किसी यूथ को स्टेरॉइड जैसा जहर अपनी बॉडी में डाल के अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। हर स्पॉन्सर, हर बिजनेस, हर करियर अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पे मिलेंगी। तो क्या आप तैयार हैं? वो कहते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अ जोक, अब कुछ करके दिखाने की बारी हमारी है। जब जब बात आती थी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तो नेचुरल एथलीट्स को हमेशा किनारे कर दिया जाता था। कोई अच्छी फेडरेशन नहीं थी इंडिया के पास नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की। हाँ, था तो मसल मेनिया नाम का एक बहुत बड़ा मजाक। जीत सर इस संबंध जिनसे हम सभी को बहुत सारी उम्मीद थी, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ हिज यूट्यूब करियर उन्होंने बोला था कि वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज को लेकर आएंगे, बट ओवर टाइम उन्होंने वो बात भी कम कर दी, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया था वो हम लोगों के लिए, जो हम लोग जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं। मतलब ओवर टाइम ऐसा लगने लगा कि जीत सर का जुनून जो है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेके वो कम होता जा रहा है, क्योंकि शोज़ के लिए तो वो कुछ कर ही नहीं रहे। बट ऐसा नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है ग्रास रूट लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल पर। एक यंग बच्चा भी जो बॉडी बिल्डिंग से प्यार करता है, स्पोर्ट से प्यार करता है, वो स्टेरॉइड्स और ड्रग्स के ट्रैप में इतनी कम उम्र में इसीलिए फंस जाता है क्योंकि उसको ये पता है कि नेचुरली आप कम्पीट नहीं कर सकते। अब मान लो आपने नेचुरली एक बहुत अच्छी फिजिक अचीव कर भी ली, बट जब आप स्टेज पर चढ़ोगे तो वहाँ पर जो पहले से जिन्होंने एनाबॉलिक यूज़ करके रखा हुआ है उन लोगों के साथ जब आप चढ़ोगे तो आप गायब हो जाओगे। बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट में ड्रग यूज़ का रेगुलेशन ना होने के कारण ही एक नेचुरल एथलीट जो है वो कुछ नहीं कर पाता बेचारा, और फिर उसके पास एनाबॉलिक्स पर चढ़ने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि अगर उन मेन स्ट्रीम बॉडी बिल्डर्स को हराना है जो कि स्टफ़ यूज़ करके स्टेज पर कॉम्पीट कर रहे हैं तो आपको भी स्टफ़ यूज़ करना पड़ेगा। बट अभी आई थिंक कि ये एक्सपो जो है ये बड़े लेवल पर होगा, एंड आई होप कि इससे नेचुरल एथलीट्स को स्टेज भी मिले और फेम भी मिले। सो ये एक्सपो होगा 1st वीक ऑफ जुलाई में। कहाँ पर होगा
और कौन सी एग्जैक्ट डेट को होगा ये तो अभी नहीं मालूम, बट होपफुली जल्दी ही ये सब की डिटेल्स भी हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ कई कैटेगरीज हैं कॉम्पिटिशन्स की, लाइक अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो तीन क्लास है, फिजिक है, ओपन है और क्लासिक है। और भी अलग कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो पावर लिफ्टिंग भी है, आपका आर्म रेसलिंग भी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अब बात करते हैं हमारी ड्रग टेस्टिंग की, जिसको जानने के लिए आप बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे। अब आ जाते हैं हम ड्रग टेस्टिंग पर, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं दिया तो इस शो को मसल मेनिया बनने में देर नहीं लगेगी। सो गाइस, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, रजिस्टर करने वाले जितने भी एथलीट्स होंगे, उनको ड्रग टेस्ट किया जाएगा थ्रू यूरिनलिसिस और पॉलीग्राफी। जीत सर कहते हैं कि ड्रग टेस्टिंग में यूरिनलिसिस और पॉलीग्राफी टेस्ट का यूज किया जाएगा, बट कई सारे लोग सवाल उठाएंगे कि इनको तो पास किया जा सकता है, और मैं भी ये पॉइंट उठाता रहता हूँ और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में ये बात बोली भी है कि यस, यू कैन फेक आउट योर रिपोर्ट इजिली। और अगर आपको किसी एथलीट को वाकई में टेस्ट करना है, आप रियलिटी जानना चाहते हैं कि वो नेचुरल है या नहीं है, तो आपको उसको ईयर राउंड टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सही में जानना चाहते हो कि कोई एथलीट वाकई में नेचुरल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको ईयर राउंड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली मसल मेनिया उतना कैपेबल नहीं है कि वो ईयर राउंड ड्रग टेस्टिंग कर पाए। और जीत सर ने कहा कि यस, ईयर राउंड टेस्टिंग भी हो सकती है, सो ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये टेस्टिंग थ्रू आउट द ईयर भी की जाएगी, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स एथलीट्स रजिस्टर करते हैं HSF में, उनके सैंपल्स को हम थ्रू आउट द ईयर कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग। इससे स्ट्रिक्टनेस बहुत बढ़ जाएगी शो में। अब देखिए, मसल मेनिया जैसे दो कौड़ी के नेचुरल शोज की तो इतनी औकात है नहीं कि ईयर राउंड टेस्टिंग करवा पाएं, बट जो असली नेचुरल फेडरेशन हैं, लाइक WNBF हो गया आपका, वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, आपका INBA हो गया, ये लोग ईयर राउंड टेस्टिंग कर सकते हैं। इनके प्रोटोकॉल में है कि हाँ, ये ईयर राउंड भी कर सकते हैं अपने एथलीट्स का। और ये ईयर राउंड टेस्टिंग यूरिनालिसिस कंबाइंड विद आपका पॉलीग्राफ टेस्ट एक बहुत अच्छा तरीका है अननेचुरल एथलीट्स को पकड़ने का। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो बॉलीवुड की पिक्चरों में आपने देखा होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, झूठ सच पकड़ने वाला, तो उसी तरह का सिस्टम होता है पॉलीग्राफ टेस्ट भी। हालांकि पास इसको भी किया जा सकता है, बट दिस कंबाइंड विद यूरिनालिसिस, और अगर आप ईयर राउंड टेस्टिंग में आ गए तो बच पाना मुश्किल है थोड़ा सा। बीवी के अलावा कितनी औरतों के साथ चक्कर है? बीवी के अलावा, बीवी के अलावा सभी औरतों के साथ चक्कर है। अब क्योंकि कई बार क्या होता है कि फेडरेशन जो है वो पैसा बचाने के लिए सबको ना टेस्ट करके 100 बंदों में से एक आधा पकड़ के रैंडमली टेस्ट करके बोल देते हैं कि हाँ भैया, हमने ड्रग टेस्टिंग की है। अब एक बार हम जरा HSF एक्सपो की वेबसाइट को भी देख लेते हैं कि वहाँ पर ड्रग टेस्टिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। सो, ये देखने के लिए मैं गया HSFExpo.com पर। सो, नेचुरल ड्रग फ्री रिक्वायरमेंट्स, HSF इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा कंप्लायंट, मतलब ये वाडा को फॉलो करते हैं। जिन ड्रग्स को वाडा ने बैन कर रखा है वो ड्रग्स इस कॉम्पिटिशन में बैन रहेंगे। ऑल एथलीट्स मस्ट बी ड्रग फ्री एंड कंप्लायंट विद द वाडा एंटी डोपिंग कोड। ड्रग टेस्टिंग इज टू कन्फर्म टू करेंट वाडा प्रोहिबिटेड लिस्ट बाई वाडा एक्रेडिटेड लैब्स। सो ये लोग वाडा का कोड फॉलो करने वाले हैं, विच इज़ वेरी गुड। ऑल टेस्टिंग विल बी कैरिड आउट ऑन साइट और एट एन अप्रूव्ड डेजिग्नेटेड साइट इन अकॉर्डेंस विद HSF ड्रग टेस्टिंग कस्टडी एंड कंट्रोल फॉर्म कलेक्शन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। मतलब कि ये जो प्रोसेस है आपके ड्रग टेस्टिंग का, ये किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पर कैरी आउट होगा या फिर हो सकता है उसी साइट पर कैरी आउट हो। यू मस्ट ऑब्टेन टू कैरेक्टर्स ऑफ रेफरेंसेज अटेस्टिंग दैट यू आर ड्रग फ्री। टेस्टिंग इंक्लूड्स ऑल परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स दैट आर ऑन करंट वाडा प्रोहिबिटेड लिस्ट। मतलब जितने भी ड्रग्स वाडा प्रोहिबिटेड लिस्ट में हैं, उनमें से कोई भी आप में पकड़ा जाता है तो आप नहीं खेलने दिए जाओगे। ऑल एथलीट्स मस्ट पास अ वाडा सर्टिफाइड यूरिन और ब्लड टेस्ट। ऑल एथलीट्स सब्जेक्ट टू रैंडम टेस्टिंग एंड इन एंड आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्टिंग। मतलब एक बार रजिस्टर करने के बाद आपको ये रैंडमली भी उठा करके टेस्ट कर सकते हैं किसी को भी। HSF विल ऑल्सो कंडक्ट ड्रग टेस्टिंग एट ईच इवेंट एज वेल एज रैंडम टेस्टिंग टू द मेंबर्स ऑफ नेचुरल टीम्स थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि जो पास होकर के नेचुरल की कैटेगरी में आ गए हैं, उनको भी थ्रू आउट द ईयर टेस्ट किया जाएगा किसी भी टाइम रैंडमली पकड़ करके। इफ एन एथलीट टेस्ट पॉजिटिव फॉर अ बैंड सब्सटेंस, दे विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम कॉम्पीटिंग फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ 1 year अप टू अ लाइफ टाइम बैन बेस्ड ऑन सीवियरिटी एंड क्वान्टिटीज लेवल्स ऑफ बैंड सब्सटेंस और सब्सटेंसेज डिटेक्टेड। द एथलीट्स नेम पिक्चर एंड टेस्ट रिजल्ट विल बी पोस्टेड ऑन अ वेबसाइट गैलरी ऑफ शेम एंड सोशल मीडिया। भैया, स्मार्ट बनने की कोशिश कोई ना करना, क्योंकि एक आप लोगों के लिए सेपरेट सेक्शन बनाया जाएगा वेबसाइट में गैलरी ऑफ शेम के नाम से। अभी तक आप लोगों ने हॉल ऑफ फेम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर हॉल ऑफ शेम है, जहाँ पर अगर आप पकड़े जाते हो
तो आपका ब्लड रिपोर्ट, नाम और आपकी फोटो उस जगह लगाई जाएगी। प्लीज डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। और अगर आप पकड़ जाते हो तो आपको 1 साल का बैन हो सकता है या फिर लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है। सो इसको मतलब सिंसियरली लेना। एनी एथलीट दैट प्रोड्यूसेस एन एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट फेसेस इमीडिएट सस्पेंशन बिगिनिंग द डेट ऑफ पॉजिटिव टेस्ट। द एथलीट विल बी नोटिफाइड इन राइटिंग ऑफ एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स एंड कॉन्फिडेंशियल टेस्ट रिपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द लैब। द एथलीट हैज द राइट टू अपील द डिसीजन इन राइटिंग विद इन 10 business days एंड पे टोटल कॉस्ट ऑफ बी सैंपल टेस्टिंग। हाउएवर द सस्पेंशन रिमेन्स इन इफेक्ट अंटिल ईदर बी सैंपल कन्फर्म्स और रिफ्यूज द फाइंडिंग्स। वंस अ फाइनल रूलिंग इज मेड बाई HSF कमेटी देन देर इज नो सेकेंड अपील। चीज़ें भाई सीरियसली होंगी यहाँ पर। मतलब पॉलिसी तो स्ट्रिक्ट है, मतलब जैसे आप पकड़ाए, जैसे ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया आपको तुरंत निकाल देंगे। और अगर आप अपील करते हो तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको राइटिंग में देना होगा कि मैं फिर से ड्रग टेस्ट करवाऊंगा, तो आपको सैंपल बी के लिए पैसे देने होंगे। अगर आप उसमें आ जाते हो पॉजिटिव तो फिर एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर, और नहीं आते हो तो फिर आप वापस एंट्री हो जाएगी आपकी। और अगर एक बार फाइनल रूलिंग हो जाती है HSF कमेटी द्वारा तो उसके बाद आपका कोई चांस नहीं है। इसमें लिखा है बी एडवाइज दैट अमंग द बैंड सब्सटेंसेस आर एफेड्रीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स DHEA एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ द सब्सटेंसेज दैट आर ऑन प्रोहिबिटेड लिस्ट। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। HSF स्ट्रांगली रिकमेंड्स दैट यू चेक योर प्रोडक्ट्स सप्लीमेंट्स एंड इंग्रीडियंट्स थर्ली थ्रू द वाडा ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर एक प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज की लिस्ट भी दी हुई है जिससे आप खोल के चेक कर सकते हैं। वहाँ से वाडा की वेबसाइट खुल जाएगी कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो बैंड हैं। सो पॉलिसी में बात करूँ तो पॉलिसी तो बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं हम फीस पर। तो इसकी फीस जो है वो है 5,000 रुपये पर कैटेगरी। मतलब आप चाहे आम रेसलिंग करो, चाहे पावर लिफ्टिंग करो, चाहे बॉडी बिल्डिंग करो, सबके लिए 5,000 रुपये फीस है। और अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ वेरी नॉमिनल फीस। पता नहीं क्यों मैंने देखा कि कमेंट्स में बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि 5,000 फीस रख दी। प्लीज़ ऐसा मत करिए। देखिए 5,000 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कोई, और कोई आदमी आपके लिए इतना बड़ा स्टेज खड़ा कर रहा है तो सब कुछ तो अपनी जेब से नहीं कर देगा ना वो। अगर आप चाहते हो कि शो चले सो प्लीज़ एक्ट अकॉर्डिंगली। फिर इन कंपेरिजन टू अदर फिटनेस एक्सपोज जो होते हैं इंडिया में, उनसे तो फीस अच्छी है, कम है। सो स्टॉप क्राइंग। मतलब यार क्यों इतना रोना रोते हैं लोग? 5,000 रुपये में यार एक महीने का आप प्रोटीन पी जाते होगे। थोड़ा सोचा करो रोने से पहले। मेले में आप निशाना साधने नहीं जा रहे हो गुब्बारों पर, जो कि आपको सब फ्री में चाहिए या 100-200 की फीस में चाहिए। एक ड्रग टेस्टेड बॉडी बिल्डिंग एक्सपो है। बिहेव अकॉर्डिंगली माई फ्रेंड। सो ओवरऑल मेरा क्या कहना है इस शो को लेकर के? भाई देखो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ बहुत अच्छे लेवल पर होने जा रहा है नेचुरल एथलीट्स के लिए। एंड आई होप कि यहाँ पर जो प्राइज मनी है या फिर जो भी प्राइज है वो भी अच्छा होगा इन कंपेरिजन टू अदर फेडरेशंस। सो भाई मैं आपको मिलूंगा एक्सपो में जब भी होगा। वहाँ पर घूमता हुआ मिल जाऊंगा या फिर स्टेज पर मिल जाऊंगा। स्टेज पर इस बार जाना तो कच्चा पक्का है, लेकिन होपफुली अगली बार मैं आपको मिलूंगा। सो आई होप कि हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे एक्सपो में। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त। इस इनिशिएटिव को जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी लेजेंड। वेट फॉर इट।